गर्ल्स, मैं हूँ नियति। एंड वैसे तो मेहंदी काफी बोल्ड, वाइब्रेंट और कलरफुल होती है, तो उसी को ध्यान रखते हुए आई क्यूरेटेड दिस स्पेशल मेकअप लुक विच इज नेचुरल, ड्यूई एंड विद अ पॉप ऑफ गोल्ड। एंड आई होप यू गर्ल्स लाइक इट। सो चले, स्टेप वन, प्रेप योर स्किन। मेकअप की शुरुआत करने से पहले हमेशा याद रखें कि आप एक मॉइस्चराइजर को यूज करें और अपने फेस को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। स्टेप टू, प्राइमिंग द फेस। हमेशा याद रखें कि जब भी आप एक फेस प्राइमर चूज करें तो इट शुड मैच योर स्किन टोन एंड इट शुड मैच योर स्किन रिक्वायरमेंट, क्योंकि यही प्राइमर है जो आपके फाउंडेशन को लॉक करेगा थ्रू ऑल द डांसिंग एंड स्वेटिंग। आई एम यूजिंग दिस प्राइमर एंड डॉटिंग इट ऑन माई फेस एंड ब्लेंडिंग इट विद माई फिंगर टिप्स। Step 3, conceal and correct. This is that exact step that's going to cover all your problematic areas. It's going to hide blemishes and those dark circles. Main ye concealer use kar rahi hu to hide all the problematic areas and to get an even face. Step 4, apply foundation. फाउंडेशन को लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आप इसे अपने फेस के सेंटर पे पहले लगाएं और फिर आउटवर्ड एरियाज में लगाएं। हमेशा फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड करें और फाउंडेशन को ईयर्स और नेक पे भी लगाएं। स्टेप 5, सेट द फाउंडेशन। ऐसा करने से आपका फाउंडेशन बहुत देर तक रहेगा और बिल्कुल हटेगा नहीं। आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई नेक एंड फेस। And there you have it. Time for next step. Step 6. Eye makeup. Face makeup का सबसे बड़ा highlight होता है eyes. So eyes को brighten और highlight करने के लिए ऐसे colors choose करें जो आपके outfits को match करते हैं. And I would recommend for mehndi, choose some colors that go from the range of greens to golds because I think they'll be the ones that'll suit the best. आई मेकअप की शुरुआत करते वक्त मैं सबसे पहले तो एक डीप डार्क क्रीज बनाने वाली हूँ जिससे आपके आई का शेप पॉप होगा एंड दैट विल गिव यू एन इल्यूजन ऑफ अ बिगर लिड। बट फॉर दोज ऑफ यू हु ऑलरेडी हैव अ बिग आई लिड, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक सटल क्रीज बनाएं। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग द शिमरी ब्राइट गोल्ड शेड फ्रॉम द पैलेट ऑल ओवर द लिड। यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड द शैडो आउट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द आई टू गिव देम द आलमंड शेप। आई लुक में मेरा ये फेवरेट स्टेप है। नेक्स्ट, टाइट लाइन विद अ डीप डार्क काजल एंड कोट अपर एंड लोअर वाटर लाइन नाइसली। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काजल लगाने वाली हूँ अपनी लोअर लैश लाइंस पर एंड आई एम गोना स्मज इट आउट। आई एम आल्सो गोना अप्लाई अ पर्पल आई शैडो फॉर दैट यंग पॉप ऑफ कलर सो दैट इट लुक्स यूथफुल एंड फ्रेश इवन विदाउट एन आईलाइनर। Once that's done, it's my favorite step, mascara. Because mascara is going to define your eyelashes to another level. The final step is to groom the brows. I'm using this brow pencil and filling up any sparse areas. Step 7, contour, highlight and blush. Now this is that step that is instantly going to make your face come to life. इस चीक कॉन्टोर को लेते हुए अब मैं इसे अपने चीक बोन्स और जॉ लाइन्स के नीचे लगाऊंगी। आई एम ऑल्सो कॉन्टोरिंग माई नोज ताकि वो थोड़ा शार्प लगे। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस व्हिच इज चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज एंड द फोरहेड। नाउ आई एम फिनिशिंग ऑफ दिस लुक बाय डस्टिंग ऑन सम ब्लश टू गिव यू दैट ड्यूई यूथफुल फ्लश्ड लुक। Step 8, lips. While I've accentuated my eyes, as you can see, I'm going to keep my lips subtle. Hamesha yaad rakhe ki lipstick lagane se pehle lips ko achhi tarike se line kare so that it doesn't smudge off while in the middle of any function. Ab lips ko line karne ke liye main ek liner ka use kar rahi hu and I'm going to follow the natural shape of my lips kyunki mujhe ye lip liner itna pasand hai that I'm going to color the rest of my lips with it and I think I'll be good to go. You can always carry your lipstick along for some touch-ups. Finally, just highlighting the cupid's bow to create the illusion of fuller lips. Alright ladies, तो ये था मेरा मेहंदी मेकअप लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड मैं ऑलरेडी एक संगीत मेकअप लुक क्रिएट कर चुकी हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी ब्यूटिफुल राइट हियर एंड दैट्स मी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।